माय नेम इज साक्षी एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट सर्टन लैंडमार्क जजमेंट्स व्हिच यू विल हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिकली फॉर उत्तराखंड जुडिशरी एज वेल एज दिल्ली जुडिशरी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट गो अहेड. द फर्स्ट केस दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज द केस ऑफ जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज अ 2018 केस वेयर द केस डिडंट स्टार्ट फॉर द पर्पस ऑफ राइट टू प्राइवेसी, बट ये जो केस था ये शुरू हुआ था आधार के रिस्पेक्ट में. सो जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी हु इज अ रिटायर्ड जज, ही वेंट अहेड, ही फाइल्ड द केस आस्किंग कि आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, आधार कार्ड बेसिकली क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि आधार में बहुत सारे इश्यूज थे. नंबर वन, आधार वॉज नॉट डिफाइंड अंडर अ पर्टिकुलर स्टैट्यू. दूसरा, आधार में जो भी आप डिटेल्स दे रहे हो वो किस लेवल पे प्रोटेक्टेड है, किस लेवल पे नहीं है, इस पे बड़ा क्वेश्चन था. एंड थर्डली, द वे आधार वर इशूड, उसमें मेजर इशूज थे. बहुत सारी जगहों पे कैंप लगाए गए, बहुत सारी जगहों पे जिसको हिंदी में बोलते हैं ठेका दे देना, कि आपने किसी को काम दे दिया है कि आपके पास इतना लमसम है, आप इतने लोगों का आधार अगर बनवा देंगे या बनाएंगे तो आपको इतना इतना अमाउंट दिया जाएगा पर आधार के हिसाब से. सो बिकॉज एजेंसीज वर इन टू दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस वेयर दे वॉन्टेड टू इशू एज मेनी एज आधार एज दे कैन, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो गई और बहुत सारी दिक्कतें आई. तो सवाल उठा कि ये जो हर जगह आधार मांगा जा रहा है, क्या ये आधार कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, शुड वी गो अहेड, आधार वैलिड है या नहीं है. नाउ व्हाइल द मैटर वॉज गोइंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू आधार, जब ये आधार का पूरा इशू चल रहा था, 5 जजेस की बेंच बनाई गई विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. वहां क्वेश्चन उठा दैट आधार वायलेट राइट टू प्राइवेसी. जब क्वेश्चन उठा कि आधार वायलेट राइट टू प्राइवेसी, द अदर पार्टी सेड दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, एंड इवन इफ लाइक आधार इज लाइक मे बी क्वेश्चनिंग योर राइट टू प्राइवेसी, इट इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. नाउ द क्वेश्चन केम, इज राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट और नॉट. सो द मैटर विच स्टार्टेड फॉर आधार वो शिफ्ट होके चला गया कि भाई ये बताया जाए कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं. नाउ पास्ट में ऐसा हुआ था कि दो और जजमेंट आ चुके थे, जो एक 5 जज बेंच ने, एक 7 जज बेंच ने डिस्कस किया था प्राइवेसी के मैटर्स को या राइट टू प्राइवेसी को एज अ इशू. एंड बिकॉज अब ये क्वेश्चन दोबारा उठा था तो एक बड़ी बेंच बनाने की जरूरत थी. सो सुप्रीम कोर्ट वेंट अहेड, मेड अ बेंच ऑफ 9 जजेस एंड फाइनली वहां पे मैटर लिस्ट हुआ टू डिसाइड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट. Finally, in 2018, they were able to decide and finally went ahead saying that right to privacy is a fundamental right and it is going to be protected under Article 21 of the Constitution. So, right to life ke saath aapki right to privacy bhi attached hai. So, right to privacy wala judgment kaun sa hai? K.S. Puttuswamy versus Union of India. Moving ahead, the next is Shaira Banu and others versus Union of India. Now, what is Shaira Banu judgment? इससे एक और सिमिलर जजमेंट होता है शाह बानो, और बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि शायरा बानो कौन सा है और शाह बानो कौन सा है. प्लस ये दोनों ही जजमेंट्स हैं जो एग्जाम्स में, जुडिशरी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं. सो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक. दिस इज अगेन अ 2018 जजमेंट वेयर सुप्रीम कोर्ट वेंट अहेड डिसाइडिंग ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको तलाक की बिद्दत बोला जाता है इस्लाम में, और अब कोई भी ट्रिपल तलाक के थ्रू अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने की कोशिश करेगा तो वो तलाक नहीं होगा, द मैरिज विल सब्सिस्ट. ये पावर सिर्फ मेन के पास होता था, वुमेन के पास एनीवे नहीं होता था, और अब मेन भी इस वे के थ्रू तलाक नहीं दे सकते. दे स्टिल हैव ऑल अदर वेज अंडर शरिया, शरिया में जो भी दूसरे तरीके दिए गए हैं तलाक लेने के वो सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ट्रिपल तलाक अब एग्जिस्ट नहीं करता. ट्रिपल तलाक के थ्रू अब डाइवोर्स नहीं हो सकते. मूविंग अहेड, The next is Shah Banu Begum judgment, which is Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum. This is an older judgment and इस केस के बाद काफी उथल पुथल हुई थी, काफी सारे political issues भी निकल कर आए थे. Reason being, this was the first time in the country where Supreme Court went on acknowledging that Muslim women, divorced Muslim women have right to maintenance. So, Sharia में, because सबको पता है ये बात कि हर रिलीजन में जो भी शादियां होती है विद अ कपल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, उनके ऊपर उनका पर्टिकुलर फैमिली लॉ अप्लाई होता है या पर्टिकुलर पर्सनल लॉ अप्लाई होता है. सो मुस्लिम्स आर गवर्न अंडर शरिया. अब शरिया में विमेन के लिए राइट टू मेंटेनेंस जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. हिंदू डाइवोर्स वुमेन वुड ऑलवेज गेट मेंटेनेंस,
क्रिश्चियन वुमेन वुड ऑलवेज गेट मिनरेस, पारसी एंड ऑल अदर रिलीजन एज वेल, बट मुस्लिम वुमेन के लिए नहीं था. सो व्हेन द मैटर केम टू द कोर्ट और शाहबानो ने ये आर्ग्यू किया कि एज अ डाइवोर्स वुमन हैविंग चिल्ड्रेन शी रिक्वायर्स बेसिक मनी और बेसिक अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रेन एंड इट्स समथिंग जहां पे उसकी राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है बिकॉज अक्रॉस ऑल अदर रिलीजन सारी औरतों को ये राइट मिलता है एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम वुमेन. अब यहां पे सवाल ये था कि अगर मुस्लिम लॉ विच इज शरिया अलाउ नहीं करता है इस तरीके के मेंटेनेंस को तो सुप्रीम कोर्ट ये राइट कहां से लेकर आएगा. और यहां पे सुप्रीम कोर्ट वेंट ऑन डिसाइडिंग दैट अगर शरिया में ये चीज नहीं भी मेंशन है तो कोई बात नहीं बिकॉज वी हैव सम अदर लॉ विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस की बात करता है एंड सुप्रीम कोर्ट वेंट ऑन सेइंग दैट इट्स अ रिलीजन न्यूट्रल लॉ, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, एनीथिंग. ये सब पर अप्लाई होगा जो भी इंडिया की टेरिटरी में है इंक्लूडिंग द मुस्लिम वुमेन एंड वेंट ऑन सेइंग दैट डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ हैव राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी. मूविंग अहेड, The next is NASA versus Union of India. इसे मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ये उत्तराखंड ऑलरेडी 3 बार पूछ चुका है, पास या पेपर्स देखोगे जाके तो ये ऑलरेडी 3 बार पूछा जा चुका है. वॉट इज NASA versus Union of India? NASA जजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले 2 या 3 साल के लीगल अफेयर्स देखोगे, कुछ ना कुछ छोटे से लेवल से ही सही या बड़े लेवल पर ट्रांसजेंडर के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहे हैं. बट वी गो बैक टू द NASA जजमेंट विच इज 2014, जहां पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था ट्रांसजेंडर्स एज द थर्ड जेंडर इन द कंट्री. सो इससे पहले 2 ही जेंडर एग्जिस्ट करते थे, मेल्स एंड फीमेल्स. इनके बाद हमने एक तीसरा जेंडर एक्नॉलेज किया, दैट इज ट्रांसजेंडर, और इनको हम डिनोट करते हैं एक्स से. मेन के लिए या मेल्स के लिए हम एम यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए हम एफ यूज करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए हम एक्स यूज करते हैं. ये वो पहला केस था जहां पे इतनी बड़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता था, जो डिसाइड भी नहीं कर पाते थे कि वो किस जेंडर को बिलोंग करते हैं या वो किस पर्टिकुलर जेंडर के ग्रुप का पार्ट बने, दे गॉट देयर ओन आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर्स. एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कंट्री एक्नॉलेज दैट ट्रांसजेंडर्स आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर. उसके बाद से काफी सारे अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट्स हुए हैं. द मोस्ट दैट हैज बीन डन इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु where the Madras High Court went on working specifically for the community that is transgender, जहाँ पे वो lawyers को acknowledge कर रहे हैं, जहाँ पे वो police personals के बीच में awareness campaign लगा रहे हैं, so that transgenders have a dignified life in general in the society. But the first case that actually brought this entire matter is NALSA versus Union of India. I would also like to tell you what is NALSA. NALSA is National Legal Service Authority, which works for all sorts of community which are underprivileged and help them fight their cases. Moving ahead, the next is Vishakha versus State of Rajasthan. Another important case, aur ye again Uttarakhand mein pehle pucha ja chuka hai. Vishakha versus State of Rajasthan talks about the guidelines for preventing sexual harassment at workplace. So, ये जो केस था ये भनवारी देवी के रेप केस से निकलकर आया. विशाखा इज एन एनजीओ एंड एनजीओ के थ्रू एक केस फाइल किया गया और फिर सवाल उठा कि औरतों के साथ जो उनके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइन है. व्हेन वुमेन आर आस्क्ड फॉर सर्टन सेक्सुअल फेवर्स टू गेट प्रमोटेड, वुमेन आर फोर्स्ड इनटू लूड कमेंट्स, लूड यू नो इन जनरल द वे दे वर्क, or certain acts which are completely bad or uncomfortable for them, but unke paas koi aur tarika nahi apne aap ko protect karne ka because there does not exist a proper law. When the matter came to the court, court went on drafting the guidelines. To ye wo case tha jahan pe court ne khud guidelines draft kiye ki kis tarah har organization mein ek limited number of women agar kaam karti hai to us organization ki zimmedari banti hai ki wo apni ek alag se committee banaye, ek committee jo in sare issues ko सॉर्ट करने का काम करे, इन्हें प्रिवेंट करने का काम करे, और अगर कभी ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर होता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर जाए. इट आल्सो गॉट टू दैट एक्सटेंट वेयर कोई भी ऐसा पर्सन जो सेक्सुअल हरासमेंट करता है ऑफ एनी वुमेन एट अ वर्क प्लेस
should not be employed by any other organization. So ye sari guidelines kiske case ke through aayi? Vishakha versus state of Rajasthan. Next is independent court versus Union of India. Now it's an important judgment, and why I'm saying important, because a similar kind of case is pending in the Supreme Court at the moment, which is dealing with marital rape. So ab marital rape kya hota hai? जब भी कोई हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है विदाउट हर कंसेंट, अ फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको हम बोलते हैं मैरिटल रेप. इंडिया में एट द मोमेंट मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं है. सो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन गो थ्रू दिस ड्रेडफुल एक्ट, अ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय देयर हस्बैंड, एंड दे हैव नो अदर वे टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिलीफ इन द लॉ. सो कोर्ट में केस चल रहा है अभी पेंडिंग, जहां पे कोर्ट डिस्कस कर रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना है या नहीं करना है. ये वही केस है जो एक सर्टन लेवल पे मैरिटल रेप को ही डिस्कस करता है. सो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ये था कि क्वेश्चन उठा कि अगर आप जनरल रेप की डेफिनेशन देखो, द एज ऑफ गिविंग कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज 18 ईयर्स इन द कंट्री. कोई भी लड़की जो 18 साल से कम की है, अगर उसके साथ कोई भी मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विथ और विदाउट हर कंसेंट, does not make any sense because that will always be considered as a rape. तो कोई भी लड़की जो 18 साल की ऊपर की हो चुकी है बस वही consent दे सकती है, 18 साल से कम की लड़की का consent माना नहीं जाता. फिर सवाल उठा कि जब इंडिया में child marriages इतनी होती है, what if the girl got married at the age of 14 years and 15 years and her husband is indulging in sexual intercourse with her without her consent? अगर ये married नहीं होती तो दुनिया उसको उस act को rape मानती, but because she is married, आप यहां पे उसकी कंसेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. आप वहां पे उसके साथ जो एक्ट हो रहा है उसको किसी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्ट की तरह नहीं देख रहे हो. सो व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने यहां पे स्पेसिफाई किया दैट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर इज रेप इवन इफ शी इज अ वाइफ. तो पहले ये 15 साल उम्र एग्जिस्ट करती थी, उसको बढ़ा के 18 साल कर दिया. तो अगर आपकी शादी हो भी चुकी है और आपकी जो वाइफ है वो 18 साल से कम की है, आप अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप. एंड दिस एग्जैक्टली इज बीन डिस्कस फॉर द वुमेन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, जहां पे उन औरतों के कंसेंट नहीं लिए गए हैं और उनके साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है. करने वाले कौन है? उन्हीं के हस्बैंड. सो दिस केम स्पेसिफिकली फॉर द माइनर, एंड देयर इज अनदर केस व्हिच इज पेंडिंग इन द कोर्ट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट ऑल द वुमेन हु आर मेजर. The next here is Seema versus Ashwini Kumar. Now this is some case जो शायद बहुत सारे लोगों को already पता भी होगा. Seema versus Ashwini Kumar went on understanding or basically analyzing all sorts of issues related to the registration of marriage, specifically in a case जहाँ पे child marriages होती है, ऐसी लड़कियों के साथ शादी होती है जिनको शादी करके दूसरे देश ले जाया जाता है. और क्योंकि इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था या लॉ बहुत ज्यादा कंपल्सरीली या स्ट्रिंजेंट मैनर में शादी के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करता था, यहां पे कई बार ऐसा होता था दैट वुमेन माइट गेट मैरिड टू इन द कंट्री एंड वुड नॉट हैव मैरिज सर्टिफिकेट एट ऑल. जब बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन सबको एनालाइज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ द ओनली वे टू हेल्प वुमेन हियर इन द मैरिज इज टू हैव अ प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट. सो under Seema versus Ashwini Kumar, court decided that registration of marriage should be made compulsory in the country. The next is Naveen Jindal versus Union of India. Now I don't know how many of you use LinkedIn or not, but recently Naveen Jindal went on sharing a post on LinkedIn talking about how he fought the legal system in the country, won the case where he got all the rights to hoist a national flag on his premise. So case ye tha ki Naveen Jindal ki factory ko roka gaya tha ki aap national flag jo hamara tiranga hai wo nahi phehra sakte hain apni property pe kyunki wo private property hai. He went on discussing challenging the same in the court saying as a citizen of India I should be given a right to hoist the flag. Court ne bilkul ye baat mani ki zaruri nahi hai ki sirf sarkari buildings mein hi ya इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंपॉर्टेंस में ही सिर्फ झंडा फहराया जाएगा. हर वो इंडियन सिटीजन, हर वो भारतीय नागरिक जो अपने प्राइवेट प्रिमाइस पर झंडा फहराना चाहे और हर वो तौर तरीके के साथ उसी रिस्पेक्ट के साथ फहराए तो फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है और वैसा कर सकता है.
So this case is also known as the National Flag Case. This is Naveen Jindal versus Union of India National Flag Case. Indian Medical Association versus VP Shanta. यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि जो भी मेडिकल सर्विसेज आपको फ्री में मिलती है शुड दैट बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वो सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगी. कोर्ट वेंट ऑन डिस्कसिंग दैट एनी सर्विस विच इज रेंडर्ड फ्री, जो आपको फ्री में मिली है. अब मैं बताती हूँ कैसे फ्री में मिली है. आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपकी कॉलोनी में आई चेकअप कैंप, जनरली बीपी या ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर टेस्ट करने के कैंप्स ये जनरली लगाते रहते हैं, या छोटे मोटे डेंटल कैंप्स लगाते रहते हैं. ये निःशुल्क होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. तो जो ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं वो सर्विस के अंदर नहीं आएंगी और उनको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे. सो ओनली द मेडिकल सर्विसेज जहां पे आपने पैसा दिया है, जहां पे आपने किसी तरीके का कोई प्राइस पे किया है, बस वही सर्विसेज हैं. फ्री सर्विसेज यहाँ पे कंसिडर्ड नहीं है. मुरली द्योरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच बैन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस. यस, सो द क्वेश्चन वॉज समबडी हु स्मोकिंग एट अ पब्लिक प्लेस एंड ऑल द अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग नियर बाय पैसिवली इनहेलिंग द स्मोक, आर दे बिकमिंग पैसिव स्मोकर्स? यस. इज इट इंजूरियस टू देयर हेल्थ? यस. एंड इज इट वायलेटिंग माई राइट टू लाइफ? द कोर्ट सेड यस. सो फाइनली व्हेन मुरली द्योरा वेंट ऑन डिस्कसिंग और आस्किंग कि जो स्मोकिंग हो रही है या लोग सिगरेट स्मोक कर रहे हैं एट पब्लिक प्लेसेस एंड इट्स कॉजिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज टू पब्लिक एट लार्ज, क्या ये उनका राइट टू लाइफ वायलेट कर रहा है? कोर्ट ने कहा हाँ. एंड आफ्टर दिस कोर्ट वेंट ऑन बैनिंग स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस. सो देर आर लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक गोवा और सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जहां पे कंप्लीट बैन है. आप एक सर्टन प्रेमाइस में स्मोक कर सकते हैं बट आप जनरल पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं कर सकते. Next is Parmanand Kattara versus Union of India. Now this is an important case because इसके पहले ऐसा था कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता था, कोई भी इंसान अगर विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाता था, वो उस इंसान की जिम्मेदारी बन जाता था विक्टिम. The person's name was written along with the victim. कभी भी विक्टिम का कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ किसी भी तरीके का, ये जो भी इंसान a good Samaritan who actually got the victim to the hospital, इसे परेशान किया जाता था, इससे पूछताछ की जाती थी, इससे एविडेंस मांगे जाते थे, इससे विटनेस बनाया जाता था. और लोग इन सारे लीगल पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे कि वो सारे लीगल मैटर्स का पार्ट बने. तो लोग क्या करने लगे, एक टाइम आया जब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो उनको रोड पे ही छोड़ के चले गए बिकॉज दे थॉट कि इंडल्जिंग देयर वुड बी अ बैड आइडिया. दैट इज व्हेन अ केस वॉज फाइल्ड बिकॉज अगर आपने लोगों को पेस्टर किया, हर वो इंसान जो विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर आ रहा है, अगर आप उसको पेस्टर कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, ऐसे में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा. एंड अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो जो इनह्यूमन बनती जा रही है. प्लस अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ ऑन द रोड डिजर्व्स डिग्निटी, डिजर्व्स मेडिकल असिस्टेंस. सो व्हेन दिस केस केम, सुप्रीम कोर्ट वेंट ऑन गिविंग अ प्रॉपर गाइडलाइंस कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर आता है, उसे हरास नहीं किया जाएगा, उसे परेशान नहीं किया जाएगा. उसकी सिर्फ जिम्मेदारी थी हॉस्पिटल तक विक्टिम को लाना, उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट इज बिजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. नाउ दिस इज अ केस व्हिच इज डिस्कस अ लॉट, स्पेशली दो एक साल पहले बहुत डिस्कस हुआ था जब मूवी थिएटर्स ओपन थे और मूवी थिएटर्स में नेशनल एंथम प्ले होगा या नहीं होगा, इस पर लंबा डिस्कशन चल रहा था कोर्ट में. दिस नेशनल एंथम केस, अच्छा इस केस को बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं. ये केस को मतलब इसकी शुरुआत हुई कैसे, इसकी शुरुआत ऐसे हुई दैट देयर इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच इज जेहोवा विटनेस. तो जेहोवा विटनेस जो कम्युनिटी है, उन लोगों का मानना है कि जो भी उनके गॉड है वही सुपीरियर है एंड अपार्ट फ्रॉम देम वो किसी और को उस लेवल पे पूजा पाठ नहीं कर सकते या उस लेवल पर नहीं प्रे कर सकते. Now, children of Jehovah Witnesses, when they used to go to school and they would not sing national anthem, उनको school से निकाल दिया गया. जब ये question court में पूछा गया कि just because my child is not singing national anthem, उसको school से निकाल दिया गया, तो इसके पीछे reason क्या है? Because right to freedom of speech and expression also include right to silence. जब ये matter court में गया, तो court ने इस बात को acknowledge किया कि yes,
एंड कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन सेइंग कि अगर कहीं पर नेशनल एंथम हो रहा है, आप रिस्पेक्टफुल मैनर में उसको देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप वहां पे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जो उसके डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, बट आप गा भी नहीं रहे हो, डज नॉट मेक यू अ क्रिमिनल हियर. सो यू हैव राइट टू स्पीक, यू ऑल्सो हैव राइट टू रिमेन साइलेंट. सो कोर्ट वेंट ऑन सेइंग दैट राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड ऑल्सो इंक्लूड राइट टू रिमेन साइलेंट. सो देर इज नो कंपल्शन फॉर यू टू सिंग लाउड एंड क्लियर. इफ द नेशनल एंथम इज गोइंग ऑन, यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन अटेंशन एंड गिविंग इट अ रिस्पेक्ट दैट इज मोर देन सफिशियंट. यू डोंट हैव टू कंपल्सरीली सिंग इट. द नेक्स्ट इज इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसे तो याद कर लेना क्योंकि हर 3 4 6 महीने में कोई ना कोई मैटर आता रहता है विच टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, और जो रिजर्वेशन के मैटर्स रहते हैं वहां पे ये केस पक्का डिस्कस होता ही है. सो दिस वॉज द केस विच रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मंडल कमीशन. मंडल कमीशन को बनाया गया टू गो अहेड सी की रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, कैसे जरूरत है और किस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है. मंडल कमीशन डिड एन अमेजिंग जॉब एंड गेव अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन जो इस केस में आए थे. तो इस केस में सबसे पहले मंडल कमीशन ने यही बोला था कि जो भी रिजर्वेशन है वो 50% कैप से ज्यादा नहीं दिया जा सकता. आपको अगर एक बार रिजर्वेशन मिल रहा है, आप उसी रिजर्वेशन को बार बार यूज नहीं कर सकते. सो ऑल द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस विच वर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन वर गिवन अंडर इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इसी केस से आया था अ कमीशन विच इज मंडली कमीशन. द नेक्स्ट इज सलाम उद्गल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. सो देयर केम अ टाइम वेयर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री यू वांटेड टू कन्वर्ट इन टू इस्लाम एंड मैरी अनदर वुमेन बिकॉज मुस्लिम मेन हैव दिस ऑप्शन टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी वेर दे कैन मैरी मोर देन वन वाइफ. और जब लोग ऐसा करने लग गए तो एक नया इशू निकल कर आया कि क्या ये सोसाइटी के लिए सही है. आप एक दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हो क्योंकि आप एक से ज्यादा शादी करना चाहते हो. आपका जीरो इंटेंशन है नया रिलीजन फॉलो करने का, आपको नए रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो इसीलिए शादी करनी है और कन्वर्ट करना है ताकि आप शादी कर पाओ. इज दिस द गुड प्रैक्टिस? द आंसर वॉज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. सो वेन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कन्वर्ट करते हो इस्लाम में ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज तो आपका ये कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आपने इस तरह कन्वर्ट करके दूसरी शादी की है द सेकेंड मैरिज वुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइगामी विच इज वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो जो बाइगामी का सिचुएशन हो जाएगा वहां पे आपकी सेकेंड शादी होगी वो अपने आप वॉइड होगी. द नेक्स्ट इज डॉक्टर सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज अनदर केस जो ऑलरेडी 2 3 बार एग्जाम्स में आ चुका है. इसी का पहला एक केस आया था नास फाउंडेशन. तो नास फाउंडेशन का जो केस था वहां से ये पूरा मैटर शुरू हुआ. नास फाउंडेशन वेंट ऑन फाइलिंग अ केस बैक इन 2008. नास फाउंडेशन ने 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट पे केस फाइल किया था ये बोलते हुए कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये कुछ लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. अब 377 बात करता था अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स की. अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्शन 377 का मानना है कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो एक मैन और वुमेन के बीच में होता है बस वही नेचुरल है, इसके अलावा और किसी तरीके का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अननेचुरल होगा. और जब भी कोई पर्सन इस तरीके के किसी एक्ट में इंडल्ज होगा तो उसको पकड़ के पनिश किया जा सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द गेज, द लेस्बियंस, द बायसेक्सुअल्स, द ट्रांसजेंडर्स, द एसेक्सुअल पीपल हु हैव अ स्लाइट डिफरेंट सेक्सुअलिटी बट इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, दे आर एज नॉर्मल एज अदर्स आर. इट्स जस्ट दैट कि उन सर्टन सेक्सुअलिटीज को सोसाइटी ने इतने सालों तक एक्नॉलेज नहीं किया. उस सर्टन सेक्सुअलिटीज को जो सोसाइटी है वो अभी नॉर्मल नहीं देखती. अब सोसाइटी अगर नॉर्मल नहीं देख रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग नॉर्मल नहीं है. एवरीबडी इज इन जनरल एज नॉर्मल एज द स्ट्रेट पीपल आउट इन द कंट्री. अब जब आप किसी भी गे लेस्बियन को फोर्स करते हो टू गो अहेड गेट मैरिड टू समबडी जो उनकी सेक्सुअलिटी के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्या आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो? यस. कोई भी गे कपल, लेस्बियन कपल जब अपने प्राइवेट स्पेस में अपने पार्टनर के साथ इंडल्ज हो रहे हैं किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, आप उनको पकड़ के पनिश कर रहे हो जस्ट सेइंग कि बिकॉज सेक्शन 377 एग्जिस्ट, क्या ये भी उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? यस.
सो जब ये मैटर कोर्ट में गया, ये मैटर इससे पहले जा चुका था नास फाउंडेशन के केस में, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बैक इन 2008 एंड 9 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को रिवर्स कर दिया बैक इन 2011 जब केस आया सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन का। सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और 377 को रिस्टोर कर दिया, ये बोलते हुए कि सोसाइटी अभी उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं है जहां पे हम इस डिफरेंट कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर पाए। ऑल्दो दे आर नॉट डिफरेंट बट दैट्स व्हाट दे वेंट अहेड सेइंग कि इफ पीपल कम आउट एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट एग्जैक्टली देयर सेक्सुअलिटी इज, हाई पॉसिबिलिटी कि उनका हरेसमेंट ज्यादा होगा, हाई पॉसिबिलिटी उनके साथ गलत चीजें हो जाएंगी, इसलिए इफ दे रिमेन इन देयर क्लोजेट दे वुड बी मच प्रोटेक्टेड। ऑब्वियसली सर्टन थिंग्स डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू लॉट ऑफ पीपल, बट ठीक है, उस टाइम पे शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि सोसाइटी इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। इससे एक चीज अच्छी हुई थी, 2011 के बाद कम से कम ये डिस्कशन ओपन हुआ, लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू करी, लोगों ने इस बारे में समझना शुरू किया और धीरे 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 लोगों में अवेयरनेस आई। फिर केस फाइल किया गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसने 2018 में फाइनली सेक्शन 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन किया। पार्शली स्ट्रक डाउन का मतलब है कि अभी भी 377 एग्जिस्ट करता है, उसका बस एक पोर्शन है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। सो एनी पर्सन हु इज इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देयर पार्टनर एंड दैट इज कंसेंशुअल इन नेचर, जो कंसेंट के साथ है, वो क्राइम नहीं है। बट आज भी नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोई इंसान बेस्टियलिटी करता है विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये दोनों एक्ट क्रिमिनल माने जाएंगे और इसमें पनिशमेंट होगा। सो बेस्टियलिटी स्टिल रिमेन्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टिल रिमेन्स अ सेक्सुअल ऑफेंस, अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट जो कंसेंशुअल कर रहा है वहां पे कोई ऑफेंस नहीं होगा। आफ्टर दिस केस अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन डन, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू लॉ बट विथ रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल हैव गॉट, एंड टू सर्टन एक्सटेंट बॉलीवुड इज प्लेइंग अ मेजर रोल मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी, द प्रॉब्लम द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी फेस, एंड इट इज ऑल्सो अपॉन अस टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट एवरीबडीज फंडामेंटल राइट्स आर एंड टू रिस्पेक्ट दैट। बट येस, दिस वॉज वन ह्यूज स्टेप इन द सेम डायरेक्शन एंड इन फर्दर आई एक्सपेक्ट दैट थिंग्स वुड कंटिन्यू इन द सेम मैनर। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ दिस टॉक्स अबाउट सेक्शन 300 आईपीसी विच इज मर्डर। दिस केस प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। यहां पे कोर्ट ने बोला कि जब कभी कोई मर्डर होगा और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब ऐसा जो स्पाइन चिलिंग होगा, ऐसा कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते अपने वियर्ड ड्रीम्स में कि कोई ऐसा किसी के साथ कर सकता है, जब ऐसा कोई केस होगा तो ही हम वहां पे डेथ पेनाल्टी देंगे। सो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वेंट ऑन प्रोपाउंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ दिस केस एक्चुअली गॉट द कंसेप्ट और ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ पैसिव यूथेनेशिया इन द कंट्री। तो अरुणा शानबाग की कहानी ये है दैट शी वॉज अ नर्स इन केम हॉस्पिटल मुंबई, शी वॉज अ विक्टिम ऑफ रेप एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट इंसिडेंट इन हर लाइफ शी वेंट ऑन इन इन सच अ मैनर की बहुत सारे फिजिकल इंजरीज हो गई, मेंटल इंजरीज हो गई, देन कोमा एंड फाइनली इन अ वेजिटेटिव स्टेट। वो उस हालत में पहुंच गई थी जहां पे शी वॉज इन अ वेजिटेटिव स्टेट एंड देर वॉज नो possibility of her becoming normal or coming back to a normal stage. ऐसे में after being in that vegetative state for years, एक friend ने case file किया that she should be allowed euthanasia. Euthanasia मतलब इच्छा मृत्यु, आप अपनी मर्जी से अपनी life खत्म करने के लिए वहां पे मांग रहे हो, जो court से allow करने की बात की गई। When matter went to the court, court did not allow active euthanasia, but court allowed passive euthanasia in the country. So passive euthanasia मतलब कि जब कोई भी इंसान इस लेवल पर पहुंच जाए जहां पे वो वेजिटेटिव स्टेट में है और उसका नॉर्मल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो भी उनके नेक्स्ट फैमिली है वो डिसाइड कर सकती है वेदर दे शुड बी पुट टू रेस्ट और नॉट। यही सारी चीजें फिर डॉक्टर्स को भी एक्नॉलेज करनी है, हाईकोर्ट की डॉक्टर्स की टीम बनेगी वो भी एक्नॉलेज करेगी, एंड वेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अथॉरिटीज फाइनली एक्नॉलेज कि इस इंसान के सुधरने के कोई चांसेस नहीं है हेल्थ के and should be put to rest, that is when उन्हें passive euthanasia दिया जाएगा। So this is an important case which recognized passive euthanasia in the country. With this, I am going to end this session here. I would also like to tell you something really important,
that from Monday onwards, we would be starting a crash course for Delhi Judiciary Services here right on YouTube, where we would be discussing hundreds and thousands of questions जो specifically Delhi के लिए है. Also a proper theory sessions for Arbitration Act, for Limited Liability Partnership and all other laws जो generally MP में cover नहीं होते हैं, along with certain sessions for current legal affairs. So do not miss that. Be a part of it and go ahead with your preparation. Thank you.